हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कल दशहरा था, आपने सभी ने दशहरा धूमधाम से मनाया होगा। मुझे ये वीडियो करने में इसलिए देरी हो गई गाइस, आज मेरी क्लास आईब्रो की चल रही है, तो सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूँ। जो बिगनर्स है, जो मतलब वीडियो सीखना चाह रहे हैं, उनके ये काम वीडियो बहुत आएगी। तो चलो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो आईब्रो दिख रही है, जो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं सिखाती हूँ कि आप ऊपर से कर लीजिएगा, हाथ भी सेट हो जाता है। और पकड़ने का तरीका, पहले तो आप बहुत अच्छे से पकड़िए, ज़रा भी इधर उधर ना हो जाए। और क्लाइंट को भी क्या है, अच्छे पकड़ने से ना उनको तकलीफ भी नहीं होती है। तो अच्छे से पकड़ने के बाद मैंने बताया ऊपर से कर लीजिए। अभी यहाँ पर ऊपर से हो गई है आईब्रो, अभी यहाँ पर नीचे से स्टार्ट की है। नीचे से एक एक करके, जो भी बिगनर से मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रा भी आईब्रो इधर से उधर, एक भी हेयर इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए एक लाइन पहले चलिए, धीरे से, एकदम ऊपर से नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा धीरे। देखिए ये जो जा रहे हैं, पहले ऊपर से नहीं जाना है, नीचे से एक एक हेयर को लाइन से आपको निकालना है। देखिए मैं एकदम सिखाते वक्त उनको सबको कह रही हूँ और आपको भी कह रही हूँ। ये देखिए नीचे नीचे से करके लाइन से मैं चली गई हूँ। ध्यान से देखिएगा गाइस, आपको सच में आईब्रो एकदम 2 या 3 दिन में ही आ जाएगी। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस ज़रूर करना है। कोई भी काम हमें जो भी करना होता है, हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए ये पूरा क्लीन हो गया है, थोड़ा छोटा मोटा हेयर जो भी रहा हो इधर उधर से सेट कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस ठीक है। अभी फिर से पता चल रहा है, देखो अभी थोड़ा सा हमें ऊपर जाना है। देखिए एक लाइन से फिर सेकेंड लाइन बनाना है। सेकेंड लाइन में जितने भी हेयर आते हैं आपको उसको निकालना है धीरे। मैं बहुत क्लोजअप लेके आपको दिखा रही हूँ, एक एक हेयर ध्यान से आपको निकालना है। और शेप, और हाँ एक बात बोलिए कि शेप अच्छा देना है हमें। आईब्रो का जो शेप है एकदम क्या है कि नेचुरली लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, बनावटी नहीं लगना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर थिन कर लेना आईब्रो को तो वो बनावटी लगेगा। किसी भी फेस पर अगर हम थिन मतलब बारीक सी लाइन खींचते हैं ना आईब्रो की, तो वो बनावटीपन लगता है। इसलिए हमेशा आईब्रो को मोटी रखना चाहिए। और जो बिगनर्स हैं उन्हें ध्यान रखना है, हमेशा ऊपर लाइन में नहीं घुसना है, बालों के हेयर को नहीं निकालना है, धीरे धीरे लेयर को, हमें एक एक हेयर को साफ करना है। जो भी एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं लाइन के मुताबिक उसको हमें निकालना है। अभी देखिए आड़े टेढ़े हेयर हैं, हमें नीचे नीचे से साफ कर रहे हैं। आपको ध्यान से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि आईब्रो बड़ी सबसे मेन बात यह है कि आईब्रो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, बनाना चाहिए, तो ही तो आपके पास में क्लाइंट आएंगे। अभी देखो यहाँ पे सरस्वती, देखो ध्यान से, ये जो आईब्रो है यहाँ पर बिल्कुल भी उनको ज़रा मतलब ये नहीं है। क्या होता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं तो आईब्रो के जो हेयर है वो यहाँ पर नहीं है कुछ हेयर, और यहाँ पर नहीं। तो इस वक्त हमें क्या करना है, हमें देखो, हमें एक लाइन देखो, हाँ ये देखो लाइन है, ये लाइन से चलना है, ठीक है। ये देखिए ये नहीं है, अब क्या करें, इसमें एक छोटा सा हेयर देख रहा है ये, ठीक है ये। लेकिन हमें अपना मतलब हमें अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, समझ गए हो। और ये क्लीन कर दिया, बस हो गया, कोई बहुत घबराने की बात ही नहीं है।
ये जो है ना, अभी देखो आड़े टेढ़े हेयर हैं, हमें ना स्ट्रेट काटना है। तो क्या करना, हमें अभी आप लोग सब बिगनर्स हो, सब सीख रहे हो, तो क्या करना है, हमेशा सेफ्टी के लिए ये ऐसे रखना है, ठीक है। अब ये वाला देखो यहाँ से कितना ज़्यादा है ना, तो सीज़र को ना हमेशा ऐसे सेफ में काट। अब कोई बोल नहीं सकता है कि, कोई क्लाइंट ये नहीं बोलेगा कि मैम हमारा ज़्यादा कट गया और ऐसे में काट देती हूँ, बिगनर्स क्या करेगा, फट से कैसे ही काट देगा। समझ में आ गया, यहाँ पर है ये थोड़ा सा निकला है, शेप में काट दो, शेप में, ठीक है, याद रहेगा। ये करेंगे ऐसे कैसे नहीं सीखोगे, बहुत चार दिन में आईब्रो सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। ये हल्का सा उनका आर्च है, यहाँ पर भी हमने कोशिश की है। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या हेयर, कम ज़्यादा, कोशिश करते हैं कि उस लाइन से ठीक करने की, ठीक है। एक बार मार दे पकड़ी, हाँ, देखे एक बार देख लो कि कहीं दिखता है क्या, हाँ थोड़ा सा मार दो सब कुछ, ये देखे थोड़ा सा, ठीक है, कोई गुंजाइश नहीं है, बस छोड़ दो। अब उनका क्या है कि यहाँ पर भी हो गया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर करके जस्ट उनको प्यार से ये, बस आईब्रो हमारी हो गई, ठीक है। Up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. I stopped searching for a reason, just let the world embrace us. In this silence, we are one.